और वहीं तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट और पलायन के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर बिहार से एक टीम अब जांच के लिए आज तमिलनाडु जाएगी। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर बिहार से लेकर तमिलनाडु तक सियासी घमासान मचा हुआ है। खबर है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की पिटाई हो रही है और कई मजदूरों की मौत भी हो गई है। इसके बाद वहां से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया, जबकि तमिलनाडु की सरकार और पुलिस का दावा है कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु से लौटे कई मजदूर खौफजदा नजर आ रहे हैं। वहां का माहौल जो है कि बहुत खराब चल रहा है, मतलब कि कहीं जहां पा रहे वहीं पे आदमी को जैसे तैसे मार दे रहा है। वो आया कपड़ा खींचने के लिए, कपड़ा खींचते समय पीछे से उसको बार किया गया। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यहाँ की दौड़ चल रही है, सरकार एक विशेष टीम वहाँ भेजे और सबको सुरक्षित वहाँ से लाने का प्रयास करे। सदन में बीजेपी के बढ़ते हंगामे के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भरोसा दिया कि केंद्रीय एजेंसियों से मामले की जांच करवाई जाएगी। इन मामलों की जांच को लेकर आज बिहार से एक टीम जांच के लिए तमिलनाडु जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले की जल्द जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।